अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। ये जो स्क्रीन के ऊपर सिंपल सा प्रोग्राम देख रहे हो, इसकी आउटपुट अक्सर स्टूडेंट को एग्जाम में और इंटरव्यू में परेशान करती है। आउटपुट इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले लाइन नंबर 6 में नोट करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसकी टाइप इंट है, नाम वार है और इसमें जो कीमत रखी गई है वो हेक्साडेसिमल है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है तो इस प्रोग्राम को एक मेमोरी लोकेशन मिल जानी है जिसका नाम वार होगा और इसके अंदर जो कीमत स्टोर होनी है वो हेक्साडेसिमल होगी। उसके बाद लाइन नंबर 7 ने एग्जीक्यूट होना है और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हुआ है हेक्साडेसिमल के लिए और वार की कीमत डिस्प्ले हो जानी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। मैं इस प्रोग्राम को डिबग करके रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखें आउटपुट इसकी आती है 44 स्मॉल FF, लेकिन वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ था 44 कैपिटल FF। अब ये स्मॉल FF आउटपुट में क्यों आया है, ये स्टूडेंट आप लोग बोलोगे तो के हो सकता है सर इसकी वजह से आ गया हो यहाँ पे जो 0x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप लोग 0 कैपिटल एक्स या 0 स्मॉल एक्स लिख के रन करते हो तो स्टूडेंट इसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी इन दोनों का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। अभी मैं टाइप करके आउटपुट निकाल के भी दिखाऊंगा। आप लोग फिर बोल रहे होंगे सर फिर ये ऐसा किसकी वजह से हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट के लिए प्रिंट एफ फंक्शन है और यहाँ पे जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हेक्साडेसिमल वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए जो यहाँ पे दूसरा करेक्टर है एक्स, अगर ये कैपिटल हुआ तो ये एफ एफ जो है ना यहाँ पे कैपिटल आना है, अगर ये स्मॉल हुआ तो यहाँ पे जितने भी हेक्साडेसिमल वैल्यू में करेक्टर होंगे वो स्मॉल आएंगे। अब मैं इसको जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको मैं एक्सिक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। अब मैं इस प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग करता हूँ, यानी यहाँ पे कैपिटल एक्स डाल देता हूँ। तो कैपिटल एक्स डाल के मैं देखता हूँ इसको दोबारा से, मैंने डिबग किया और रन करता हूं और आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखाता हूं। देखें अभी भी स्मॉल एफ एफ है जबकि यहां पे कैपिटल एक्स भी इस्तेमाल कर लिया गया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको दोबारा से यहां पे चेंजिंग करता हूं, यहां पे मैं डालता हूं जी कैपिटल एक्स डाल देता हूं यहां पे और इसको मैं स्मॉल ही कर देता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पर इसको मैं स्मॉल ही कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं इसको डिबग करके रन करता हूँ और आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट नोट करें यहाँ पे कि अब देखें यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल में करेक्टर थे वो सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए हैं और यहाँ पे ये कीमत जो हमने साफ की थी अभी। अब मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये चेंजिंग करता हूँ, जो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है डी वो डाल देता हूँ। अब मैं इसको डिबग करता हूँ, डिबग करके दोबारा इसको रन करता हूँ और यहाँ पे नोट करें जब दोबारा मैं रन करूंगा तो जो कीमत आई है वो ये वाली वैल्यू जो है ना चेंज होके किसने, डेसिमल में, यानी हेक्साडेसिमल यहाँ पे चेंज हो गया है किसमें, डेसिमल में।